students of class 12, good morning, assalamu alaikum. Stay home, stay safe, keep moving toward the destination. Today is 6 June 2020 and the day is Saturday. Let's start our day. First subject we have English, page number 4, homework. The work you have given on page 4 are articles A and. First portion, use of article A. A is used before a word showing one or a singular thing and used with consonant letters. Let's start our lesson. A and O as E nose. A nose, A nak. एक चीज के बारे में बताएगा इसलिए यूज होगा आ. नेक्स्ट है आ आर आई एन जी रिंग. आ रिंग एक अंगूठी. अगेन एक थिंग है सिंगुलर थिंग है हमारे पास ए यूज होगा. नेक्स्ट आ बी डबल ओ के बुक. आ बुक ए किताब. आ R A W B I T rabbit. A rabbit. A खरगोश. एक चीज ऐसे A यूज हुआ हमारा और R है कंसोनेंट लेटर. आगे नेक्स्ट हमारे पास A T R U C K truck. A truck. A truck. A M A T mat. A mat. A चटाई. नेक्स्ट पोर्शन यूज ऑफ आर्टिकल एन. ए एन 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 इज यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन और थिंग बिगनिंग विद वोवल लेटर्स. वोवल लेटर्स आर ए ई आई ओ यू. ए एन एन ई डबल जी एग. एन एग एक अंडा. अब अंडा भी एक चीज है सिंगुलर है लेकिन स्टार्ट किसके साथ हुआ है वॉवल लेटर ई. वॉवल लेटर के साथ स्टार्ट हुआ है इसे यूज होगा ए एन 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 एग ए अंडा. ए एन एन आई आर ओ एन आयरन. एन आयरन ए इस्त्री. ए एन एन ए डब्ल्यू बी आई ई एप्पल. एन एप्पल ए से. फर्स्ट लेटर कौन सा है ए वॉवल लेटर है यूज होगा ए एन एन. नेक्स्ट ए एन एन ओ एस टी आर आई सी एच ट्रिच. ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच मीन शुतुरमुर्ग. एन ऑस्ट्रिच एक शुतुरमुर्ग. एन यूज हुआ है फर्स्ट लेटर कौन सा है ओ. वॉवल लेटर ओ यूज हुआ है इसलिए यूज होगा ए एन एन. नेक्स्ट ए एन एन यू एम बी आर ई डबल एल ए अम्ब्रेला. एन अम्ब्रेला ए छतरी. वॉवल लेटर यूज हुआ है यू. यू यूज हुआ इसलिए होगा ए एन एन. एन अम्ब्रेला ए छतरी. ए एन एन ई ए आर ईयर. एन ईयर ए कान. फर्स्ट लेटर कौन सा है ई. ई वॉवल लेटर है इसलिए यूज होगा ए एन एन. एन ईयर ए कान. अवर इंग्लिश लेसन इज कंप्लीटेड हियर. लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट सब्जेक्ट उर्दू. सावन का जू पढ़ाई. पेज नंबर 6. स्वाद लिसा बेनुन बन सावन. स्वाद लिसा बेनुन बन साबन. स्वाद लिसा फेसाकिन साफ. स्वाद लिसा फेसाकिन साफ. स्वाद बेहबा सुबह. स्वाद बेहबा सुबह. स्वाद आइन ये ई फेसाकिन जहीफ. स्वाद आइन ये ई फेसाकिन जहीफ. स्वाद आल जिद. स्वाद बो जू. नेक्स्ट सब्जेक्ट वी हैव मैथ्स. पेज नंबर 4 होमवर्क. पेज नंबर 4
फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव व्हाट कम्स आफ्टर, किसके बाद क्या आता है. आपको नंबर्स दिए गए, आपने देखना है कि इसके बाद कौन सा नंबर आपने नेक्स्ट वाले ब्लॉक में लिखना है. फर्स्ट नंबर वी हैव 1414. 1414 क्या आ जाएगा, 1515. 1515 आपने 1 की लाइन बिल्कुल ब्लॉक के दरमियान से स्ट्रेट लानी है, 5 ब्लॉक के ऊपर नीचे छोटी सी लाइन लाके सीधा लेके जाएंगे, राउंड करेंगे और सीधा आपका आ जाएगा 5 1515. नेक्स्ट नंबर वी हैव 7. 7 के बाद क्या आएगा, 8. 7 8. 8 के लिए आपने डॉट लगा के राउंड करना है, एक साइड से भी दूसरी साइड से भी, ये शेप होगी आपकी 8 की. नेक्स्ट नंबर वी हैव 4949. 4949 अब काउंटिंग पढ़ ली आपने, 49 के बाद क्या आता है, 4949 5050 आपका अगेन 5 आ गया, वही शेप आपने 5 की बनानी है, 5 0 0 आपका ब्लॉक के दरमियान से स्टार्ट होगा, राउंड करके नीचे लाएंगे, राउंड करते हुए आपने 0 को कंप्लीट कर लेना है, 5050. नेक्स्ट नंबर वी हैव 7878. 7878 नेक्स्ट नंबर वी हैव 7979. 7 की लाइन आपने ब्लॉक के ऊपर लगानी है, ऊपर वाले कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर तक स्ट्रेट लाइन, 7 9 ब्लॉक के ऊपर स्ट्रेट लाइन, सीधा लाके राउंड करेंगे और सीधा ले जाएंगे 9 7 9 79. 7 8 78 7 9 79. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव व्हाट कम्स बिटवीन, किन के दरमियान में क्या आता है. आपको दोनों साइडों पे नंबर्स दिए हुए, आपने देखना है कि इसके दरमियान में क्या आता है. फर्स्ट नंबर 1111 काउंटिंग पढ़ेंगे, 11 के बाद क्या आता है, 1111 1212. 1 आपका स्ट्रेट बिल्कुल आएगा, 2 राउंड करते हुए कॉर्नर तक लाएंगे स्ट्रेट लाइन, 2 1 2 12 1 3 13. 11 12 13. नेक्स्ट नंबर 3 2 32. क्या आ जाएगा, 3 3 33. 3 की शेप आपने ऊपर से बिल्कुल सीधी लाइन 7 की तरह लाते हुए मिड तक लाना है, राउंड कर देना है सी की तरह और सीधा ले आएंगे 3. ये वाला 3 भी आपने ऐसे ही बनाना है, 3 3 33. 3 4 34. 32 33 34. नेक्स्ट 9 8 98. 98 के बाद क्या आएगा, 9 9 99. स्ट्रेट लाइन सीधा ला के सी तरह राउंड और स्ट्रेट लाइन 9. आपका दूसरा लाइन भी ऐसे ही बनेगा, 9 9 99 98 99 100 100. लास्ट नंबर वी हैव 6 9 69. क्या आ जाएगा, 7 0 70. 7 की सीधी लाइन कॉर्नर से नीचे तक स्ट्रेट लाइन और 0 आप बनाएंगे ब्लॉक के मिड से, राउंड करते हुए नीचे ला के आपने ऊपर लेके जाना है और 0 को कंप्लीट कर लेना है, 7 0 70. 69 70 71. नेक्स्ट सब्जेक्ट वी हैव रेंज बुलबुल का बच्चा, लास्ट 3 लाइंस लर्न. आपने रेंज बुलबुल का बच्चा की आखिरी 3 लाइनें याद करनी है. लास्ट सब्जेक्ट वी हैव पिक्चर डिक्शनरी, पेज नंबर 17 फर्स्ट 3 लाइंस रीडिंग. पेज नंबर 17 ZOO जू, जू मीन चिड़ियाघर. इस पेज पे आपको जो जानवर दिए गए हैं चिड़ियाघर के उनके बारे में बताया जा रहा है. फर्स्ट है CHIM चिम, PANZEE चिंपैनजी. चिंपैनजी मीन चिंपैनजी, चिंपैनजी मीन चिंपैनजी. CAMEL कैमल, कैमल मीन ऊंट, कैमल मीन ऊंट. OSTRICH ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच मीन शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच मीन शुतुरमुर्ग. KOALA कोला, कोला मीन कोला, कोला मीन कोला. TIGER टाइगर, टाइगर मीन
चीता, टाइगर मीन चीता। एम ओ एन के वाई मंकी, मंकी मीन बंदर, मंकी मीन बंदर। एल आई ओ एन लॉयन, लॉयन मीन शेर, लॉयन मीन शेर। पी ई एन जी यू आई एन पेंगुइन, पेंगुइन मीन पेंगुइन, पेंगुइन मीन पेंगुइन। एस ई ए एल सील, सील मीन सील, सील मीन सील। Our today's diary is completed here. Parents should supervise their children to do all the work with sharp pencil, keeping in mind the writing pattern. See you again with new lesson. Take care of yourself. Allah Hafiz.